इस हद तक बढ़ा था कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गई थी। तो ये डीजल अब जो बढ़ा है उसकी वजह से चलो हम थोड़ा सा सांस लेंगे, लेकिन मेरी आंकाल कोविड का गया है हमारे किए हैं। और यहाँ पे हमको पैसेंजर टैक्स पे तंग किया जा रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके लिए और जितने टोल प्लाजा हैं, ये टोल प्लाजा की डबल डबल हमें देने पड़ते हैं पैसे इधर से। और अगर एक गाड़ी का उधमपुर का नंबर है या कठुए का नंबर है तो उसको और डबल देना पड़ता है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके माध्यम से भी हमने लेटर्स भी लिखे हैं ऑनरेबल अली जी साहब को, और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स को अपने कीमती वक्त से कुछ समा दें ताकि हम उनके साथ बैठ के थोड़ी डिटेल उनके साथ डिस्कस कर सकें और अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकें। तो दूसरा मेन जो हमारी सेंट्रल बॉडी था, सेंट्रल बॉडी का टाइम पूरा हुआ था, वो सेंट्रल बॉडी मुड़ के उसकी इलेक्शन हुई है। और जुड़ानी मछली हमने जम्मू और कश्मीर के जो हमारे विंग्स के प्रेसिडेंट हैं अलग अलग, उनको और उन सब ने मिल के दास को फिर चेयरमैन घोषित किया है। तो मैं अपने सभी ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और आपको थैंक्स कहता हूँ।